हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें हम बात करेंगे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑल दो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टोटली कंप्लीट कर रखा है अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आप चेक करोगे ना प्लेलिस्ट में, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन क्या है ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एक दो पॉइंट है छोटे छोटे जो नहीं बताए, तो वो मैं जस्ट कंप्लीट करने के लिए उनको यहाँ पे, ताकि स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका कोई भी पॉइंट जो है वो रहना नहीं चाहिए, सारे पॉइंट जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो चलो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सबसे पहले, देन मल्टी प्रोग्राम्ड, मल्टी टास्किंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर्ड एंड एम्बेडेड सिस्टम। ये मेनली कैटेगरी है। इसके अलावा आप जिसको और भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन मेन हमारे पास यही कैटेगरी आती है जिसमें माइक्रो प्रोग्राम्ड एंड मल्टी टास्किंग जो है ना, मल्टी प्रोग्राम्ड एंड मल्टी टास्किंग ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से हमें क्या पता लग रहा है कि बैच ऑफ जॉब, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स का एक बैच हम बना रहे हैं और वो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं ताकि कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट कर सके। ये मेन फंडा है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है कि जब ये सिस्टम यूज करते थे 1960s के टाइम पे, तब वहां पे क्या था कि जो भी, लेट से अगर किसी को अपना कोई एग्जीक्यूट करवाना काम, वैसा तो है नहीं कि उस टाइम पे 1960 के टाइम पे हर बंदा ही कंप्यूटर को यूज करा जैसे आज के टाइम पे हम लोग यूज करें, ऐसा तो है नहीं। मेजर जो आप कह सकते हो कंपनीज है रिलेटेड टू लाइक नासा की अगर हम बात करें या इसरो की बात करें, मतलब जो कंपनीज जो हैवी कंप्यूटेशन के ऊपर काम कर रही है, रिसर्च के ऊपर काम कर रही है, उन्हीं को कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन जो है वो करनी पड़ती थी। अब वो लोग करते क्या थे, वो यूज करते थे पंच कार्ड्स को, पंच कार्ड्स भी आप बोल सकते हो, पेपर कार्ड भी आप बोल सकते हो, पेपर टेप बोल देते थे इसको, या फिर मैग्नेटिक टेप भी हम इसको बोल देते हैं। तो इनके ऊपर क्या करते थे, अपनी जॉब्स को ऑफलाइन लोड कर देते थे। लेट से मेरे पास कोई, मेरे को कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने क्या करना, उस जॉब को, उस प्रोसेस को मैंने इनके ऊपर लोड कर दिया ऑफलाइन लोड करके। अब मेरे को वहां पे जाना पड़ेगा सिस्टम के पास, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि घर घर पे सिस्टम अवेलेबल है। वो हमारे जो सीपीयूज हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, वो एक किसी कंपनी में पड़े हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सिस्टम्स में डाल के अपने प्रोसेस को, अपनी जॉब को जाना पड़ेगा, उस कंपनी वालों को देना पड़ेगा कि मुझे ये काम अपना एग्जीक्यूट करवाना है। ऑल्दो ऑलरेडी लिंक तो बने ही होते हैं, पता होता है कि कौन बंदा किस टाइप के ऊपर काम कर रहा है। तो मेरे को यहां पे क्या था कि जो भी मेरी जॉब है ना, वो हम क्या कर देंगे, उन जॉब्स को हम ऑपरेटर को दे देंगे। ऑपरेटर मतलब कि वहां पे, अब जैसे आज के टाइम पे तो हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम से, मतलब सीधा हम सिस्टम के ऊपर चाहे कमांड लिखें, चाहे हम जीयूआई इंटरफेस को यूज करें, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। बैच में क्या था, आपका काम इतना है कि जॉब को इनके ऊपर लोड करके ऑफलाइन और कंपनी में दे दो। कंपनी मतलब कंपनी में लेट से कोई ऑपरेटर है, उसको आपने प्रोवाइड कर दिया, मतलब आपने डायरेक्ट सिस्टम में जाके इंसर्ट नहीं कुछ किया, आपने सिर्फ ऑपरेटर को दे दिया। ऑपरेटर ने आपको क्या कर देना है कि हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, जब आपकी जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगी आप रिजल्ट उसके ले जाना। तो आपका काम खत्म, ऑपरेटर को आपने अपनी जॉब दे दी, पंच कार्ड प्रोवाइड कर दिया। अब ऑपरेटर ने क्या करना है, उनके बैचेस जो है वो कन्वर्ट कर दें, उनको हमने बैचेस में कन्वर्ट कर देना, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स का एक बैच बना देना है। और लेट से एक बैच बन गया B1, एक बैच बन गया B2, एक बैच बन गया B3। अब क्या करना है, बैच वन में लेट से मेरे पास दो या तीन सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स हैं, इसमें तीन है, इसमें चार है, तो सबसे पहले बैच वन हमने क्या करना है, सीपीयू को दे देना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने बैच वन में से पहली जॉब उठा के सीपीयू को दे देनी है। गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट, ये ऑपरेटर ने क्या करना है, पंच कार्ड लगा दिया, पहले बैच की पहली जॉब हमने क्या दे दी, सीपीयू को प्रोवाइड कर दी। अब सीपीयू ने क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। अब लेट से अगर बीच में, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं या तो वो सीपीयू के टाइम की डिमांड करते हैं, या इनपुट आउटपुट को प्रोसेस बीच में करना है, मतलब मुझे कोई फाइल को रीड करना है, मुझे कोई पेरिफेरल डिवाइसेस को रीड करना है, उसमें से कुछ राइट करना है, उनको कोई एक्सेस करना है, तो सीपीयू क्या करता है, ठीक है भैया जा तू, मतलब अपना इनपुट आउटपुट जो प्रोसेस है, जो भी काम उसने करना है वो जाके कर ले। इस टाइम तक सीपीयू क्या रहेगा, आइडल। ये सबसे मेजर जो डिसएडवांटेज थी, या आप कह सकते हो उस टाइम पे ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि सीपीयू को एक जॉब दी और वो जॉब कह रही है कि मुझे इनपुट आउटपुट प्रोसेस करना है, मुझे जाके किसी फाइल को रीड करना है डिस्क से, या मुझे किसी डिवाइस को रीड करना है, डिवाइस में कुछ राइट करना है, तो सीपीयू उस टाइम तक आइडल रहेगा, वो नेक्स्ट जॉब पे नहीं जाएगा। तो जब ये कंप्लीट करके
वापस सीपीयू पे आएगी, सीपीयू उसको पूरा एग्जीक्यूट करके फिर नेक्स्ट जॉब पे जाएगा। मतलब नॉन प्रीएम्प्शन काइंड ऑफ फंड है, और नॉन प्रीएम्प्शन के साथ साथ आप इसको बोल सकते हो, नॉन प्रीएम्प्शन के साथ साथ आप इसको क्या बोल सकते हो कि एक्चुअल में सीपीयू नेक्स्ट जॉब पे नहीं जा रहा, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा मल्टी प्रोग्राम्ड था ना, मल्टी प्रोग्राम्ड के केस में क्या थी, रैम थी। अब रैम में हमने मल्टीपल जॉब्स को डाल दिया, एक जॉब को हमने सीपीयू को दे दिया, सीपीयू लेट से वो जॉब कह रही है कि मुझे इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है, तो सीपीयू बोलेगा जा, इतने में सीपीयू नेक्स्ट जॉब को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। यहां पे नेक्स्ट जॉब तब तक नहीं आएगी जब तक पहली जॉब मेरी कंप्लीट नहीं होती, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ आइडल टाइम ऑफ द सीपीयू, जिसकी वजह से टाइम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लगेगा। तो उस टाइम पे क्या था, हमने बंदों से मतलब ऑपरेटर ने आपकी जॉब ले ली, अब आपको रिजल्ट कब मिलेगा इसका कुछ नहीं पता। हो सकता रिजल्ट आपको एक दिन बाद मिले, हो सकता है एक हफ्ते बाद मिले, एक महीने बाद मिले, एक साल बाद मिले, आपको जो है रिजल्ट लेने भी खुद जाना पड़ेगा, रिजल्ट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे ऑफलाइन, आप उस रिजल्ट को अपनी टेप में, अपने पंच कार्ड में जाके और अपनी लैब में जाके उसको दोबारा से कर सकते हो, जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो ये एक्चुअल में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी जो थी वो ये थी। फिर धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे रिफाइनमेंट हुए, उस टाइम पे जैसे मेजर रिफाइनमेंट थी मॉनिटर्स, मतलब इसमें थोड़ा सा ऑपरेटर्स के फंडा को खत्म करने के लिए इन्होंने मॉनिटर्स का फंडा यूज किया कि ठीक है अब एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि पंच कार्ड्स आप डायरेक्टली जाके उसमें पंच कर सकते हो, ताकि एक चीज जो है एक जॉब सीपीयू को उठा के हम प्रोवाइड कर सके। तो उस टाइम पे मॉनिटर्स जो थे वो यूज होते थे, IBM ने सिस्टम बनाया था फोरट्रेन, फोरट्रेन सिस्टम जो है वो IBM ने डिजाइन किया था, इसके साथ साथ IBSys 709X, ये मैं 1960 की बात कर रहा हूँ गाइज। तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछता है तो इतना मोर देन सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।